लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा आज से शुरू हो गई है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत राहुल टेक्सास के डलास पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर लिखा, मैं इस यात्रा के दौरान सार्थक और चर्चाओं और व्यावहारिक बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ। यह दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। वह बोले, सार्थक चर्चा और व्यावहारिक बातचीत के लिए उत्सुक हूँ। इससे पहले भारतीय प्रवासी कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने राहुल के इस दौरे को लेकर बताया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल का पहला अमेरिकी दौरा है। पित्रोदा ने बताया था कि जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, तब से भारतीय प्रवासी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें प्रवासी भारतीयों, राजनयिकों, कारोबारी नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से राहुल गांधी के साथ बातचीत करने के लिए कई अनुरोध मिले थे। इसलिए वे यहाँ टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षा समुदाय से जुड़े लोगों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। वहाँ एक बड़ी सामुदायिक सभा होगी। हम कुछ तकनीकी विशेषज्ञों से भी मिलेंगे और डलास क्षेत्र के नेताओं के साथ रात्रि भोज करेंगे। पित्रोदा ने बताया कि अगले दिन राहुल गांधी वॉशिंगटन DC की यात्रा करेंगे, जहाँ वे थिंक टैंक, नेशनल प्रेस क्लब और अन्य लोगों के साथ बातचीत करेंगे।